पहली ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला स्क्वेयर लेग के अंपायर के बगल में से एक रन जो कि प्रणील मोरे का नाम जवाब पे आता है और गेंदबाजों को आसमां दिखाने वाले उस्मान का नाम जवाब पे आता है। इस बार खेला गेंद हवा से बातें करते हुए रॉकेट 6 रन के लिए यूपीएल कनेक्टिंग छक्का। पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे आड़े बल्ले के साथ लेकिन गेंद इस बार चले गए विकेट कीपर के दस्ताने में। नीचे रहती हुई गेंद निश्चित रूप से संदीप आचार्य जो कि बड़ी प्रतियोगिता में अपने बल्ले से जलवे दिखाता हुआ एक होनार गुणवान खिलाड़ी जो कि मैदान के भीतर अलबर्ट डेवलपर्स की ओर से। फिर एक बार खेला फिर एक बार गेंद तारा मंडल से सीमा रेखा बाहर यूपीएल कनेक्ट छक्का। सिक्सर इस ओवर में दो छक्के प्रणील के बल्ले से निकल संदीप के बल्ले से निकलते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार खेला लो फुल टॉस कनेक्ट सही मायने में नहीं हुआ कोई रन नहीं। अब रन संख्या मात्र जो कि बनती हुई 13 रन बगैर किसी नुकसान से एक रन जो कि प्रणील ने बनाया लास्ट गेंद के ऊपर जा खड़े हुए और उसके बाद दो छक्के लगाए और एक बड़ा टोटल हम भी खड़ा कर सकते हैं ये मानव मन में यहां पर दिखलाता हुआ ये खिलाड़ी संदीप आचार्य। ये ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ पहला अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ और इस अतिरिक्त रन के बदलत रन संख्या जो कि 14 रन बगैर किसी नुकसान से। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो कि यहां पर किया है। इस बार खेला जरूर और कैच का मौका और कोई चांस नहीं बल्लेबाज को और यहां पर विकेट का पतन बड़ी मछली जाल में फंसते हुए और संदीप आचार्य आउट होकर पैर पे वापस जिन्होंने दो छक्के की मदद से अच्छी गेंद पीछा करना चाहते थे गेंद चकमा देकर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद इस बार के गेंद मात्र चले गए थर्ड मैन की दिशा में सीमा रेखा पार गोली की रफ्तार से चार फिर एक बार गेंदबाजी करता हुआ इस बार जड़ में डाले गेंद खेला इसे एक रन तो जरूर होगा डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश एक रन आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ और इस एक रन के साथ रन संख्या जो कि 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार खेला लाजवाब कवर्ड गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी लेकिन गेंद आखिरकार जीतते हुए चौके के साथ खुद का खाता खोला उस्मान ने और रन संख्या को तब्दील किया जो कि अगर बात की जाए 23 रन नजदीक से पहचानते हैं और इन खिलाड़ियों के बारे में भली भांति जानते हैं इनकी क्षमता को परखते हैं तभी इनके बारे में बातें करने का मन करते। पटके गेंद इस बार खेला होम अगेन लाजवाब स्ट्रोक यहां पर डेलीकेटर शॉट 4 रन के लिए जो कि उस्मान के बल्ले से निकलते हुए बैक टू बैक बाउंड्री और रन संख्या जो कि 27 रन के ऊपर और रन संख्या जो कि 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। अलवर डेवलपर्स के मैनेजर जो कि बद्री है काफी खुश होंगे जरूर। उल्टास गेंद इस बार खेला गेंद नहीं रुकेगी कवर की दिशा में 4 रन के लिए गजब का स्ट्रोक इस बार तक प्रणील के बल्ले से निकलता हुआ चन्ना के दर्द चौका। इस बीच फिर एक बार गेंद गेंदबाजी फिर एक बार इमरान इस बार बेहतरीन जड़ में डाली हुई गेंद यहां पर विकेट कीपर भी गई गेंद चली गई सीमा रेखा पार देखना है अंपायर का इशारा शायद बल्ले से लग कर गई है और 4 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती है। प्रणील के लिए गेंद फुल टॉस गेंद हवा में कैच का मौका नहीं गेंद स्टैंड ऑन और 6 रन के लिए और एक बड़ा शॉट प्रणील मोरे के बल्ले से निकलता हुआ। फिर एक बार खेल हेलीकॉप्टर शॉट स्टैंड ऑन लंबा छक्का बेहतरीन स्ट्रोक बेहतरीन बल्लेबाजी कातिल अली बल्लेबाजी का नमूना पेश करता जब लगता है छक्का तब गेंदबाज हो जाता है हक्का बक्का और बल्लेबाजों को मिल जाता है मौका कहने वाली बात जरूर है लेकिन मैदान के भीतर चलती हुई। फिर एक बार गेंद कलाई के सारे नजाकत भरा स्ट्रोक तकनीकी बल्लेबाजी एक रन आसानी के साथ मुकम्मल हुआ इस एक रन के साथ रन संख्या 48 रन 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 16 की औसत जो कि यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में चलती हुई।
ये गेंद छोड़ना चाहते थे जरूर और विकेट के सामने पाए गए, छोड़ना चाहते थे, गेंद ने पैरों के ऊपर निशाना साधा और रनिंग हमारे आउट होकर पहल में वापस जा रहे हैं। बड़ा आगा जो कि अलवर डेवलपर्स को लगता हुआ और दूसरा विकेट का पतन यहाँ पर। रवि जिंगलाला अच्छी गेंद, विद अलोंग द कारपेट के साथ खेला जरूर, एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, खुद का खाता खोला और रन संख्या मात्र परावर्तित होती 49 रन के ऊपर, दो विकेट गंवाने के बाद एक बड़ा आघात जरूर लगा है, लेकिन बैटिंग लाइनअप इतनी बड़ी अल्बर्ट डेवलपर्स की तो आने वाले बल्लेबाज भी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए। उस्मान पटेल एक खिलाड़ी 11 खिलाड़ी उनके बराबर, इस बार खेला एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ ही अलवर डेवलपर्स के 50 रन पूरे होते हुए मैदान के भीतर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए जो कि बल्लेबाजों ने पहला विकेट 12 रन के ऊपर जो कि संदीप आचार्य का, दूसरा विकेट 27 रन बनाकर सो प्रनिल मोरे। अच्छी गेंद विद अलोंग द कारपेट के सहारे खेला, वहां पर खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑफ से जाकर गेंद को उठाए थ्रो करे, तब तक एक रन आसानी के साथ मुकम्मल हो, दूसरे की मांग होगी, थोड़ी सा रनआउट का खतरा डायरेक्ट यहां पर और यह खतरे की घंटी और उस्मान पटेल यहां पर आउट, रन लेने की कोई गुंजाइश करनी नहीं चाहिए थी और अक्सर हम देखा करते हैं जो कि मिस फील्ड के ऊपर रन लेना खतरे से खाली नहीं होते यहां पर, और ये विकेट जो कि तलाश रही थी वो विकेट मात्र यहां पर मिल चुके उस्मान पटेल यहां पर आउट होकर पहले में वापस, एक जो कि रन नहीं था वो रन चुराने की कोशिश में। थोड़े से अपने बॉलिंग लाइनअप से चौके जरूर, अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ सामना करेंगे रवि लिंगलाला। शिवम की गेंदबाजी का यह अच्छी गेंद, फिर एक बार उसी दिशा में खेला, जमीन को चूमती हुई गेंद, कॉपी बुक स्टाइल का स्ट्रोक, एक रन आसानी के साथ पूरा हो जाएगा, एक रन के साथ रन संख्या जो कि 52 रन के ऊपर, तीन विकेट गंवाने के बाद। इसके पहले ओवर में मानो रन सिंगल से नहीं छक्कों से आ रहे थे, लेकिन जैसे विकेट गिरा सिंगल से काम चलाना पड़ रहा है। यह अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, एक रन आसानी के साथ, तेज रफ्तार के साथ शिवन की गेंद, सिर्फ दिशा दी गेंद को, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, शायद यहां पर चौथा ओवर मुकम्मल होता हुआ, चार ओवरों का खेल समाप्त और जो कि 53 रन जहां पर तीन विकेट के नुकसान पर, टॉस जीतने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए अलवर डेवलपर्स की टीम। गैसू स्लो आर्म डिलीवरी बल्ले की निचले सतह लगी, विकेट कीपर भी चूके जरूर, मौका था जरूर वहां पर, लेकिन काफी तेज आई थी गेंद, बल्ला तेज घुमा था और इस तरह से जब बल्लेबाज हथौड़ा बल्लेबाजी करने जाते हैं तो विकेटों के ऊपर खड़ा रहकर इस तरह से क्लोज कीपिंग करना यहां पर काफी सराहने भरा होता है। फिर एक बार सचिन गेंदबाजी के लिए, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर पूरी आई नहीं, आवाज हल्की से अपील की आउट द अंपायर, लेकिन अंपायर ने ना कहा क्योंकि बल्ले को लगकर उसके बाद पैरों से टकराई, स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि फुलटॉस गेंद, इस बार खेला वहां पर डेप नोडे की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, दूसरे प्रयास में गेंद को हाथ में लिया, थ्रो किया, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। स्लो आर्म डिलीवरी जो कि यहां पर करता हुआ और चकमा देने में कामयाब गैसू को, धासु गेंदबाजी यहां पर सचिन द्वारा और जो कि बल्लेबाजी थोड़ी सी शायद दीदा मनस्थिति में क्योंकि पेस को पकड़ना चाहते हैं बल्लेबाज।
ये बेहतरीन गेंद चौप करना चाहते थे वहां पर, विकेट कीपर भागना चाहते थे, आखिरकार रवि ने उनको रोका, नहीं भाई ये जोखिम भरा रन लेना नहीं चाहिए, इसी जोखिम भरे रन के वजह से एक बड़ा विकेट जा चुका है। अब ऐसा रन आउट विकेट जो कि सुसाइड माना जाता है क्रिकेट की भाषा में, वो रन आउट विकेट हमको देना नहीं है। इस बार बड़ा शॉट खेला, कैच का मौका है जरूर, और बेहतरीन लाजवाब कैच अब तो बाई तरफ झुकते है, और विकेट का पतन यानी कि चौथा विकेट। इस बार जड़ में डाली गेंद, एक रन आसानी के साथ मिलेगा, डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, एक रन के साथ रन संख्या जो कि 56 रन के ऊपर परावर्तित होती है। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे ऊपर टिप्पा गिरने के बाद और उछाल लेते हुए चले गए विकेट के प्रकृत स्थान में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। पहले तीन ओवर में रन मानो यहां पर बहते हुए नजर आ रहे, लेकिन उसके बाद से अकाल सा पड़ गया है। अच्छी गेंद बैक पर जाकर हल्के हाथों से पंच कर दिया इसको, एक रन आसानी के साथ बनेगा, एक रन के साथ रन संख्या जो कि 57 रन चार विकेट के नुकसान पर। फिलहाल गेंदबाजी फिर एक बार करता हुआ रवि के लिए हेमंत, टॉस गेंद इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, यहाँ पर वन बाउंड सीमा रेखा पार, और इस चौके का आगाज कर दिया है जो कि रवि लिंगालाला, इन्होंने इसको लगा डाला तो लाइट लिंगालाला। रिवर्सिप का प्रयास, लेकिन गेंद उछाल लेती हुई चली गई विकेट के प्रकृत स्थानों में, चकमा देने में कामयाब हो चुका है रवि को, एक चक्का अपने खाते में जुड़ चुका है, चक्के के बदौलत रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 61 रन के ऊपर। अच्छी गेंद मिड अलोंग द कारपेट के साथ खेला, विकेट कीपर भाग रहे गेंद के पीछे, फील्ड करे तब तक एक रन के साथ रन संख्या 62 रन, लगभग 6 ओवरों का खेल समाप्त, अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है, और देखना इन 24 गेंदों में क्या गुल खिलाते। 62 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 6th ओवर, और 24 गेंदों में क्या होगा ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारे और एक अनुभवी कॉमेंटेटर जो कि कुंदापुर से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद जय, तो सामने वाले छोड़ से फिर टॉस गेंद जबरदस्त बॉडीलाइन के ऊपर से गेंद गई और विकेट लगा, जबरदस्त छक्का यूपीएल छक्का। क्या करा रास्ते है इस बार, फिर टॉस गेंद थी भरपूर टाइमिंग के साथ पावर के साथ गेंद को उछाल दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 6 रनों के लिए, तो छक्के के साथ ही लोग अब बढ़कर पहुंच चुका है 68 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। दोबारा गेंद को उछाल दिया और फील्डर देखते रह गए कि गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से कैसे निकली, शानदार छक्का यूपीएल छक्का। अल्बर्ट डेवलपर्स कवर जिन्होंने टॉस जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि बीके ब्रदर्स बैंगलोर स्थिति दबाव के ऊपर क्योंकि बल्लेबाज काफी हावी हो रहे हैं गेंदबाजों पर, और जबरदस्त बल्लेबाजी की गई अब तक जिसके चलते 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं, और ये 7वां ओवर प्रगति पर है। दोबारा गेंद को खेल दिया वन थर्ड की दिशा में, दोनों फील्डरों के बीच में प्लेसमेंट करने का प्रयास किया, फील्डर आए गेंद के ऊपर एक रन चुरा लिया, ओवर के ऊपर दूसरा रन लेने का अवसर बन सकता था, लेकिन साथीदार स्ट्राइकर तैयार नहीं थे, एकमात्र रन पूरा हुआ
रन बढ़कर 69 पर। शाम का शानदार वातावरण है, मौसम काफी खुश्क, 5 बज चुके हैं, दूर वाले छोर से यह गेंद उछाल दिया, गेंद को फील्डर इस बार गेंद के ऊपर आ चुके हैं, टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथों में समा गई, एक रन के साथ ही रन बढ़कर 76 पर, 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एक रन के साथ रन बढ़कर 77 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर, और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, एक और रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे, रन अच्छे खासे बन रहे हैं। क्या शानदार वातावरण है, हरियाली से भरा हुआ यह मैदान, और शाम के 5:05 आकाश में दूर दूर पर आपको मोटे मोटे सफेद बादल दिखाई पड़ेंगे, उस छोर से वह विकेट और लंबाई में ज्यादा जिसको अंतिम समय पर दबा देते हुए खेल दिया, जब तक एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास बना, फील्डर गेंद को उठा चुके हैं, रन एक के साथ 79 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर, 8वां ओवर प्रगति पर है, 79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कूलैंड से गेंद को लेकर दोबारा तैयार हुए, और क्या प्रयास रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उछाल ज्यादा था, और जिस तरह से डिविलियर्स खेलते हैं गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करने का प्रयास किया, मिस कर गए क्योंकि गेंद की रफ्तार ज्यादा थी, विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं, रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा, तेज हवा चलती हुई ठीक उसी दिशा में जिस तरफ गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट, दोबारा गेंद उछाल दिया, शायद इस बार कैच बन सकता है, फील्डर गेंद को गैदर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही विश्वसनीय तरीके से गेंद को कैच किया, और इसी के साथ ये 5वां झटका लग चुका है। नुकसान पर बन चुके हैं, आप इसमें स्ट्राइक इन पर, बिलाल स्ट्राइक इन पर हैं, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा बॉलर इमरान की गेंद, और वो थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए ऑन साइड की दिशा में हाफ पेडल हाफ स्वीप जैसे कहते हैं खेलने का प्रयास किया, अपील की गई लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं, उन्होंने कहा कि लग भाई एक रन खाते में और जोड़ लिए गए, 80 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, क्या जबरदस्त 100 रन बन रहे हैं, और मैं कहूंगा कि शुरुआत में जो मूसाधार बल्लेबाजी हुई उसकी बदौलत अच्छा खासा रन सम्मानजनक स्थिति की ओर बढ़ता हुआ, ये गेंद और कैच की संभावना शायद बने, विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया, जी हां, इसी के साथ बैट्समैन बिलाल ने गेंद को पनिश किया बाउंड्री लाइन के ऊपर से, और इस बार ज्यादा उछाल लेते हुए अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया, बहुत ज्यादा सर से ऊपर निकली, एक और अतिरिक्त रन, जब भी स्टोक्स लगते हैं चौके छक्के तब
ऐसा ही हो जाता है, विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है गेंदबाज का। अट्ठासी रन 6 विकेटों के नुकसान पर 8.2 गेंद फेंकी जा चुकी है। हिम्मत की गेंद राउंड विकेट तेजदार, बहुत ही अच्छी गेंद, बैट्समैन थोड़ा फड़बड़ा गए, शरीर से टकराई उनके गेंद, पीछे हटते हुए गए, अचानक गेंद जैसे ही अंदर की तरफ आई, खेलने के प्रयास में चौके और रन जो कि नहीं बने। हेमंत दोबारा गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। अंकों के लिए अगली गेंद, उछाल दिया, कैच बनेगा, फील्डर काफी पीछे खड़ा है, जब तक वो दौड़कर गेंद के पास पहुंचने का प्रयास कर पाते, गेंद नीचे गिर चुकी थी और अंकों ने दौड़ लगाकर एक रन पूरा किया, जिम्मेदारी बिलाल को सौंपी और रन बढ़कर 99 पर 4 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये 8.4 गेंद फेंकी जा चुकी है। फिलहाल स्ट्राइक पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ जरूर होगा और चौके छक्के मानो कितने आसानी से लगाए जा रहे हैं। राउंड विकेट छोड़ से गेंद उछाल दिया, जबरदस्त स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के ऊपर से, हवा से बातें करते हैं कि बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। गेंद हवा से बातें करते हुए निकल गई, दोबारा खेल दिया, कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और ये लगा यूपीएल चौका। रन 99 पर आखिरी ओवर शुरू हो चुका है, राउंड विकेट उछाला, कैच बन सकता है, इस बार फील्डर गेंद तक पहुंचे, उन्होंने गेंद को आसानी से कैच कर लिया और 7वें विकेट का पतन हुआ। पांच गेंद शेष बची हैं। छोर से राउंड विकेट ड्राइव किया, गेंद को बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन की दिशा में गई और गेंद को रोकने में सफल हुए, अच्छा प्रयास, सफल प्रयास और बैट्समैन के पास समय था कि वो 2 रन को तेज कदमों के साथ पूरा करें और उसी के साथ 100 का आंकड़ा पार हुआ, 101 फॉर द लॉस ऑफ 70 विकेट्स, 7 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बन चुके हैं। इस छोर से यह गेंद बहुत ही रफ्तार के साथ अंदर की तरफ आई, जिसको खेलने के प्रयास में रन आउट का मौका शायद बने, लेकिन तब तक हकर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली पॉइंट से दूर और 2 रन तेज कदमों के साथ बिलाल ने पूरा किया और कुल योग को बढ़ा कर पहुंचा चुके हैं 103 पर 7 विकेटों के नुकसान पर। बहुत गेंद को लेकर तैयार हो रहा है, स्कोर एंड जोन की गेंद, बाउंड विकेट उछाल दिया, गेंद को हवा में, कैच आसान बन सकता है और इसी के साथ ये कैच की संभावना बने, जी हाँ, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और इसी वजह से विकेट गेंदबाज ने नॉन स्ट्राइक गेंद पर गिल्ली उड़ा दी रन आउट के लिए, लेकिन अंपायर सात विकेटों के नुकसान पर। तो मोहन की गेंद, ये गेंद और नौ सेकंड पर रन आउट का मौका बनेगा, जी हां, आसानी के साथ रन आउट हो कर लिया। बिलाल के लिए गेंद फोकस्ड है, उछल दिया गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, जी नहीं, फील्डर ने दौड़ लगाया, फासला तय किया लेकिन प्रयास में असफल रहे, दूसरे फील्डर ने उनका साथ दिया, गेंद को रोकने में सफल हुए और कहना होगा कि संभावित चौके को उन्होंने रोक लिया। बैट्समैन बिलाल के पास 2 रन लेने का समय है और कुल मिलाकर रन फड़का 107 पर। बिलाल के लिए अगली गेंद और विकेट कीपर के पास है, उन्होंने गेंद को उठा लिया, रन लेने का अवसर नहीं, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो निर्धारित 10 ओवर की समाप्ति पर
अल्बर्ट डेवलपर स्टोवा जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बना चुका है 107 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि जीत का लक्ष्य है 108।